नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं पूनम शर्मा। आपको 2 अक्टूबर 2014 का वो दिन याद होगा जब गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने सफाई को लेकर देश में एक बार फिर से अलख जगाई थी और पूरे देश में सफाई अभियान की शुरुआत हो गई थी। लेकिन क्या वाकई ये अभियान रंग ला रहा है? शायद नहीं। प्रदेश की एक ग्राम पंचायत के शिक्षा के मंदिर में ऐसी गंदगी पसरी है कि जगह जगह गंदगी के आभार नन्हे बच्चों से ज्यादा नजर आते हैं और बच्चे पूछते हैं कि आखिर कैसे पढ़े हम, कैसे स्कूल चले हम। दिखाएंगे गंदगी से सटे उस विद्यालय का हाल भी, लेकिन सबसे पहले आज बात उस कारस्तानी की जो कृषि वैज्ञानिकों ने की है। कुछ इस तरह की उठपटांग रिसर्च जिसे सिर्फ पैसों की बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए आज सबसे पहले दिखाएंगे प्रोजेक्ट मनमर्जी और बर्बादी। राजधानी के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों की एक और कारस्तानी सामने आई है। वैज्ञानिकों ने RKKY से 4 साल पहले आए 52 लाख प्रोजेक्ट्स में जमकर मनमानी और पैसों की बर्बादी की है। संस्थान में 52 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ सब्जियों के रिसर्च के लिए आया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने सब्जियों की जगह फलों और फूलों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। यहां तक कि खुले खेत में होने वाली खेती पर रिसर्च ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में अंजाम देने लगे। नतीजा, ना तो फलों और फूलों का रिसर्च सफल हुआ और ना ही प्रोजेक्ट्स के आने का मकसद सिद्ध हुआ। लिहाजा लाखों रुपए के लगे ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में अब बदहाली और वीरानी छा गई है, यानी कृषि वैज्ञानिकों की मनमर्जी पड़ गई है भारी। जरा ये खास रिपोर्ट देखिए। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान, बरसों पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च के लिए ये संस्थान बनाया गया था, जिसे रिसर्च के जरिए किसानों को नई नई खेती की तकनीक से रूबरू कराया जा सके। लेकिन अब यहाँ रिसर्च के नाम पर उल्टी गंगा बह रही है। ये उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं संस्थान के ही कृषि वैज्ञानिक। लेकिन आखिर वो कैसे, आइए हम बताते हैं। 4 साल पहले यानी 2012 में सेंटर से RKKY योजना के तहत 52 लाख रुपए के प्रोजेक्ट संस्थान के लिए मंजूर हुए। शर्त थी इन रुपयों से सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के रिसर्च का काम किया जाएगा और शुरुआत में लाखों रुपए से लगे ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में खीरा, टमाटर, मिर्च, गोभी और करेला जैसी सब्जियों की वैरायटी पर रिसर्च किया भी गया, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। तो सब्जियों के रिसर्च से थोड़े दिनों में ही कृषि वैज्ञानिकों का मन भर गया। लिहाजा वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान वर्धन के लिए सब्जियों की जगह फलों और फूलों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। कृषि वैज्ञानिकों की मनमानी और पैसों की बर्बादी करने का तरीका देखिए कि खुले खेत में होने वाली स्वीट कॉर्न और ताइवानी पपीते पर रिसर्च ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में करना शुरू कर दिया गया। पपीते की नई तकनीक के रिसर्च में जलबेरा लगाया गया, लिहाजा थोड़े दिनों के बाद पपीते में कीड़े लग गए। आज भी ग्रीन हाउस में पपीते के सूखे पेड़ खड़े हैं, वहीं स्वीट कॉर्न में बीमारी लग गई है। अरे जब बिना क्लाइमेट और गलत रिसर्च की जाएगी तो नतीजे बेहतर आने का सवाल ही नहीं उठ सकता। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी के रिसर्च पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। कई कृषि वैज्ञानिकों ने गलत फलों और फूलों के रिसर्च पर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन डिपार्टमेंट हेड और सीनियर्स प्रोफेसर्स ने अनसुना कर दिया। इससे पहले संस्थान के वैज्ञानिक केसर और सेब पर भी बिना क्लाइमेट के रिसर्च की कारस्तानी कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि रिसर्च क्यों की जा रही है, सवाल तो ये है कि जब वैज्ञानिक ही इस तरह की उटपटांग रिसर्च करेंगे, पैसों की बर्बादी करेंगे, तो आखिर कैसे राजस्थान के किसान और कृषि का भला होगा? वॉस्ट इंडिया के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ दिनेश डांगी की रिपोर्ट। चलिए इसी रिसर्च को और ज्यादा समझने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश, ये उठपटांग जिस तरीके की रिसर्च की गई है, सवाल ये नहीं है कि रिसर्च क्यों की गई है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं वो सवाल खड़े करते हैं, वजह क्या है?
जी देखिए, बिल्कुल जो प्रोजेक्ट्स आया था वेजिटेबल्स जैसे खीरा, टमाटर या जो अन्य प्रकार की मिर्च है, उनमें किस तरह जो है नई उनकी वैरायटी है वो तैयार की जाए, और कृषि वैज्ञानिकों का काम ही है कि रिसर्च के जरिए जो है राजस्थान की खेती और जो किसान है उनको नई नई उन्नत किस्म की जो है तकनीक है उससे अवगत कराना। लेकिन यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि इन जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने अपनी मनमर्जी यहाँ पर की और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले भी यहाँ पर जो है बिना क्लाइमेट के केसर और जो एप्पल है उसका रिसर्च किया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने जैसे कई नर और मादा दो तरह की जो है फसलों में जो है होता है, इसके तहत इन्होंने जो है वेजिटेबल के लिए प्रोजेक्ट था। चलो आप डेढ़ साल और एक साल तो जो है खूब सब्जियों पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो है अपने ज्ञानवर्धन में जुड़ जाते हैं ये वैज्ञानिक महोदय, और वहाँ पर जो स्वीट कॉर्नर है उसका जो भी एक्सपेरिमेंट और उस पर रिसर्च होता है तो खुले में होता है। तो इन्होंने अन्य फसलों में बीमारी नहीं हो इसके लिए उन्होंने जो है ग्रीन हाउस और शेडनेट के अंदर जो है उसका बाकायदा जो है वो है रिसर्च किया, लेकिन उसमें भी जो है निमिटोड जो है बीमारी फैल गई। दो बार जो है उस पर स्प्रे किया गया फिर भी जो है वायरस कंट्रोल नहीं हो पाया। जब सवाल उठता है कि उन्हें पता है कि ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस तापमान को मेंटेन करते हैं और उनमें एक नमी बरकरार रहती है, और जो बाहर खेत में फसल और खेती की जाती है उसके अंदर संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जब पैसा आया हुआ है तो रिसर्च करने में क्या परहेज जो है जो उसका नतीजा सामना है। ऐसे ही उन्होंने पपीते की जो है पपीते पर रिसर्च किया, आज हालत ये है कि ग्रीन हाउस के बाहर ताले दी और पपीते की जो डाल है जो ऊपर है वो उस ग्रीन हाउस को जो है क्रॉस करते हुए ऊपर जाने को मजबूर है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि उन जो लकड़ी के ठूंठ में तब्दील हो चुके हैं पपीते के पेड़ उनको हटाकर वहां पर और रिसर्च की जाए। दो ग्रीन हाउस और शेडनेट की आप हालत देख चुके हैं, वहां पर सब्जियों की पौध तैयार होती थी लेकिन वहां पर वीरानी छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है, और इसके जिम्मेदार है तो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के ये वैज्ञानिक। जी 2012 की हम बात कर रहे हैं, 2012 के वक्त 52 लाख रुपए का प्रोजेक्ट यहां पर आया था, 4 साल हो गए हैं। क्या सब्जियों पर इन्होंने ये पहले रिसर्च की थी, और अगर की है तो उसके क्या रिजल्ट यहां पर सामने आए थे? क्योंकि अगर इस तरीके की वो रिसर्च करते हैं वजह तो ये हो सकती है कि उस रिसर्च के जो सब्जियों पर कहने की बात की गई थी या फिर सिर्फ उसी के लिए प्रोजेक्ट्स आए थे उसमें नतीजे सही निकले, क्या वाकई ऐसा कुछ देखने को मिला था? जी बिल्कुल, जब 2012 में ये प्रोजेक्ट जो RKKY योजना के तहत पास हुआ तो शुरुआती एक साल में ज़रूर यहाँ पर जो है टमाटर है, खीरा है, मिर्च है, करेला है, अन्य सब्जियों पर अच्छे जो है रिसर्च किए गए थे, उनके नतीजे भी सामने आए थे। आगे भी वो इस तरह के जो है रिसर्च जारी रख सकते थे, लेकिन बीच में ही जो है कृषि वैज्ञानिक जो है एक आदेश वहाँ के जो है हेड वो निकाल देते हैं, और उसके बाद जो है कभी जो है वहाँ पर एप्पल है, कभी जो है स्वीट कॉर्नर है, कभी पपीता है, या फिर कोई जो है फूलों की वैरायटी पे भी यहाँ रिसर्च किए फलों के साथ। तो कह सकते हैं कि पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आया अगर उस पर अच्छा काम करते तो हो सकते हैं कि सब्जी की कई वैरायटी और प्रजातियां जो है वो विकसित कर सकते थे, लेकिन जो है कृषि वैज्ञानिकों ने अपना जो है दिमाग लगाते हुए इस तरह के कह सकते हैं बेहुदा जो है रिसर्च को अंजाम दिया। तो जिस तरीके से आपने बताया कि चलिए हमारे साथ कृषि मंत्री जी खुद जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रभुलाल सैनी जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। प्रभुलाल जी, दुर्गापुरा में, राजधानी जयपुर में जो कृषि अनुसंधान क्षेत्र है वहां पर 2012 में जो प्रोजेक्ट्स आए थे वहां पर सब्जियों के लिए रिसर्च करनी थी लेकिन की गई फूलों पर और फलों पर, लेकिन नतीजे जो सामने आए हैं वो बेनतीजे निकले, पैसों की बर्बादी हुई, अपनी मनमर्जी यहाँ पर कृषि वैज्ञानिकों ने की है, क्या कुछ कहेंगे आप पूरे इस मसले पर? देखिए निश्चित रूप से इसमें क्या दो पार्ट है। जी पहला पार्ट तो जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, जो कि हमारे जोबनेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, जिसमें रिसर्च और एक्सटेंशन के काम वहाँ पर किए जाते हैं, जो वहाँ के वैज्ञानिक वहाँ पर करते हैं, जो अभी भी वो लोग कर रहे हैं। अभी मैं भी उसको देख के आया था पिछले दिनों, वहाँ पर मूंगफली की नई नई वेरायटी आई थी, वहाँ आपके कैप्सिकम का काम भी वहाँ हो रहा है, वहाँ पर इसी प्रकार गोभी की भी रिसर्च की जा रही है और सभी प्रकार की जा रही है, ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं किया जा रहा। और दूसरा पार्ट है वो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेटिव ट्रेनिंग सेंटर की जो हम लोगों ने शुरू किया है जी। उसमें भी हमारी प्रक्रिया निश्चित रूप से पहले हमारे इन कंपनियों के साथ MOU था, लेकिन वो थोड़ा ब्रीच हो गया इसलिए वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन हम उसमें भी अधिकारी को लगा के उसको करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल मंत्री जी, इस तरीके की रिसर्च को लेकर आप काफी बेहतर तरीके से भी जानते हैं और काफी गंभीर भी हमेशा नजर आते हैं। रिसर्च को लेकर हम सवाल नहीं कर रहे कि उसमें किया है या नहीं किया, लेकिन साफ साफ ये था कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्जियों पर किए जाएंगे, उसको दरकिनार किया गया, सिर्फ 6 महीने यहाँ पर किए गए, उसके बाद जिन फलों और फूलों पर किए गए उसमें नतीजा निकला ही नहीं, वो आज सूखे पड़े हैं। हमारे सवाल जी, देखिए कोई भी रिसर्च की जो काम है ना जी,
ये इतने इजी नहीं होते कि एक साल में दो साल में, की रिसर्च एक सतत प्रक्रिया है जी। एक बार जो रिसर्च करते हैं उसमें कई साल लग जाते हैं, कोई भी वैरायटी इंट्रोड्यूस करने में सालों साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दो साल में या एक साल में रिसर्च हो जाती है। अगर ऐसे रिसर्च होने लग जाए तो इंडिया में भी रिसर्च की कमी नहीं रहे, इसलिए बड़ा मेहनती काम होता है नई चीज को। जैसे मैंने वहाँ पर वाटरमेलन और मस्कमेलन के बारे में काम किया था जी, तो हमें उसमें हमारे राजस्थान की जो नई प्रकार की किस्में हम लोगों ने तैयार की वहाँ पर राजस्थान हुई है, लेकिन फिर भी ये मैं मान सकता हूँ कि जो होना चाहिए था उसमें अभी गति नहीं हुई है जी। अब मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो वीसी भी अब नए हमने स्वतंत्र वीसी लगाए हैं जी, और हम कोशिश करेंगे अनुसंधान की गतिविधियाँ और आगे बढ़े। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस तरीके से अनुसंधान होता है, अगर ऐसा होता तो वहाँ के जो स्वीट कॉर्नर है या दूसरे जो जिन पर रिसर्च की गई है वो सूखे नहीं होते, वो विरान नहीं होते। हमारे संवाददाता दिनेश डांगी जुड़े हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट यहाँ पर कवर की है और साथ में ये भी सामने आया कि इसे लेकर शिकायत भी की गई, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी मंत्री जी, ये जो प्रोजेक्ट है 2012 में RKKY के तहत जो है आया था, 52 लाख रुपए आए थे और जो स्पेसिफिक है सब्जियों के लिए यहाँ पर जो है रिसर्च करना था, लेकिन आपके जो माननीय वैज्ञानिक महोदय वहाँ जो अंदर ग्रीन हाउस शेड आउट में जो है स्वीट कॉर्न और मक्के के जो है उस पर रिसर्च करने लगे। हालांकि कोई हॉर्टिकल्चर में तीनों आते हैं, सब्जी फूल और फल, लेकिन कोई भी रिसर्च जो है फल और फूलों का उनका सक्सेस नहीं हुआ और नए जो है सब्जियों की नई वेरायटी तैयार की गई, ये उन्होंने जो है अपने स्तर पर फैसला लिया। मैंने भी निश्चित रूप से आपकी बात को मैं स्वीकारता हूँ कि जितना रिसर्च पे काम होना चाहिए था, जो RKVY में जो प्रोजेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास करूंगा कि मैं उसको सिरे से दिखाऊंगा। एक्चुअली हमारी सरकार के वक्त में नहीं था, पिछली सरकार के वक्त में प्रोजेक्ट आया होगा उसका, एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा, मैं एक बार उसको देखूंगा। देखने के बाद यदि इसमें कहीं भी स्थिरता हुई है, देरी हुई है, जो भी कारण होंगे उनको पता लगाएंगे और यदि कई प्रकार की उदासीनता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, ये वही वैज्ञानिक है जो आपके पास कभी रिसर्च के लिए पैसा नहीं मिलता और जब मिल जाता है तो इस तरह के जो अपने ज्ञानवर्धन के रिसर्च में जुड़ जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से डांगी जी, मैं कह सकता हूँ कि 68 वर्षों में रिसर्च के मामले में अभी बहुत अच्छी कोई उपलब्धियां राजस्थान में कहीं भी, चाहे वो ICR के हमारे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एग्रीकल्चर के, जो उपलब्धियां हमको सूखा रोधी किस्में, अन्य प्रकार की शॉर्ट टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स, चाहे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्वालिटी सेफ साइज इंप्रूवमेंट की काम नहीं हुए, ये मैं बिल्कुल सीरियस स्वीकारता हूँ। अगर हम लोग प्रयास करेंगे इसको, मैं दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट को, यदि कहीं भी उदासीनता रही है कितना पैसा खर्च हुआ है इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसको देखा भी नहीं है, और यदि इस प्रकार का कहीं मिलता है तो उसके आगे कार्रवाई जो भी हो सकती है मैं करूँगा। बिल्कुल मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप इस पर कोई एक्शन लेते हुए जरूर नजर आएंगे, जिस तरीके से आप यहां पर गंभीरता दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए। दिनेश, आपने देखा किस तरीके से खुद मंत्री जी ने बाद में कहा कि उदासीनता यहां पर बढ़ती गई है, इस पूरे मामले को मैंने अभी अच्छे से देखा नहीं है, इसे देखूंगा, उसके बाद इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। क्या लगता है, क्या वाकई अब गंभीर मंत्री साहब नजर आ रहे हैं? जी देखिए, कृषि मंत्री दावा तो खूब करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एक अलग संस्था है, उनमें सरकार और जो कृषि मंत्री है, कृषि विभाग है, उसका सीधे जो है कोई दखल नहीं होता। ये कृषि वैज्ञानिकों को भली भांति परिचित है, रिसर्च उनको करना है, कृषि विभाग को काम उनसे निकलवाना है, लेकिन एक जो है कंट्रोल और जो नियंत्रण है वो प्रॉपर तब तक नहीं होगा तब तक साइंटिस्ट अब को जो है इस एग्रीकल्चर फील्ड का कह सकते हैं कि खुदा समझते हैं, लेकिन किसान जो होता है उसके नाम पर, खेती को बढ़ावा देने के नाम पर खूब बजट मंजूर होते हैं, लेकिन बाद में कह सकते हैं फिजूल खर्ची और मनमर्जी है उसको, वो है पैसों को अपनी तरफ से जो है खर्च करते हैं, फैसले लेते हैं, अल्टीमेट ये होता है रिसर्च के नाम पर जो है बर्बादी होती है और रिसर्च के नाम पर सामने आता है जीरो। जी, कुल मिलाकर ये हो जाता है कि प्रोजेक्ट यहाँ पर ले लिए जाते हैं, मनमर्जी कर ली जाती है और उसके बाद फिर बर्बादी सामने आती है। वही दिनेश, आपको बता दें कि PS राठौर जी हैं, डॉक्टर PS राठौर कुलपति हैं, उन्हें हमने लगातार कॉल किया, जब उन्होंने फोन उठाया, पूरा मामला समझाया, तो उन्होंने इस पर बोलने से मना कर दिया। फिलहाल दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा विद्यालय जहां पर बच्चे कहते हैं कि आखिर कैसे स्कूल चले हम, आखिर कैसे पढ़े हम, एक छोटे से ब्रेक के बाद।